Hello. Hello. So I am muting all. Okay. Now am I audible? Okay. Thank you. Thank you for your patience. Okay. Now we will start with the today's session. Let me share my screen. I guess it is already shared. Is presentation visible at your end? Okay. So, as we have discussed various topics under concept and application series, today is the most important topic, which is nothing but zones. So as I mentioned before, touching these zones, we will revisit all the topics which we have covered till date. So हम लोग zones को visit करने से पहले हम लोग एक बार हमने जो past में जो सारे sessions लिए हैं उसको एक revisit करेंगे. And I guess it is okay for all of you to revisit the past sessions. Okay, thank you. So हम लोग हमारे पास टाइम अच्छा खासा टाइम है तो एक बार रिविजिट कर लेते हैं. वी विल स्टार्ट विद द एंटायर कंटेंट. जो हमारा हमने जो जो कंटेंट देखा है दैट इज द फर्स्ट सेशन विच वी हैव सॉ इज टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम का मतलब क्या है ये हम लोग अभी अच्छे से जान पाए हैं. उसके बाद हम लोग ने ईएमए को ईएमए का जो ईएमए है उसका मीनिंग समझने का ट्राई किया हम लोग ने. ईएमए हमारे लिए क्यों सिग्निफिकेंट है या कौन सा ऐसा टाइम है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग के वक्त ऐसे कौन से टाइम पे ईएमए काम आता है. उसके बाद आरएसआई द मोस्ट इम्पोर्टेंट और वन एंड ओनली इंडिकेटर, मैं बोलूंगा एक ही इंडिकेटर ऐसा है वो लीडिंग इंडिकेटर है और हर बार हमें गलत डायरेक्शन में जाने से रोक सकता है. तो इसके लिए हम लोग ने ड्राइवर क्या कंसेप्ट है ये हमने जाना. उसके बाद जो लास्ट सेशन हम लोग ने देखा वो था रिटेलर्स एंड होलसेलर्स. अभी ये सारे डॉट्स, ये जो मैं बोलूंगा प्रीवियस डॉट्स है, ये सारे डॉट्स हम लोग ये सेशन में कनेक्ट करेंगे. तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक जाता हूँ. जैसे टाइम फ्रेम में हमने देखा कि मोस्टली टाइम फ्रेम क्यों यूज होता है या क्या जरूरत है टाइम फ्रेम. अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम का क्या सिग्निफिकेंस है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर हम लोग टाइम फ्रेम को बिना जज किए ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता नहीं होता है. मोस्टली जो सारे इन्वेस्टर्स है वो लोग सोच के चलते हैं कि अगर हमारा पोजीशन अगर ग्रीन दिखा रहा है तो हम लोग जितना जल्दी प्रॉफिट बुक कर सके उतना बुक करके हम लोग निकल जाएंगे. और अगर रेड दिख रहा है तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो भी बन जाते हैं इन्वेस्टर्स आफ्टर सर्टन टाइम, क्योंकि रेड रेड देखते देखते हम लोग को लगता है कि ये स्टॉक अभी तो आने वाला नहीं है अपने बाइंग लेवल के ऊपर, लेकिन आगे कब आएगा बाइंग लेवल के ऊपर ये भी हम लोग को पता नहीं होता है. और उसके आगे और एक चीज रहता है कि अगर ये बाइंग लेवल के ऊपर नहीं आ रहा है तो हम लोग ने कितना टाइम उसको होल्ड करना चाहिए. ये सब चीज के लिए एक हमारे दिमाग में टाइम फ्रेम होना बहुत जरूरी है. वी शुड हैव अ रफ टाइम फ्रेम इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अवर ट्रेड
और हमारे ट्रेड से निकल जाने के लिए हमें एक टाइम फ्रेम की बहुत जरूरत होती है। तो आप स्क्रीन पे देखोगे कि एक ट्रेडिंग डे हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग 1 डे 1 मिनट का हम लोग ने टाइम फ्रेम लगाया है, तो 1 मिनट के एक साइड आप देखोगे, लेफ्ट साइड में मैंने ट्रेडिंग डे लिखा है, और जो टॉप मोस्ट कॉलम टॉप मोस्ट रो है उसमें मैंने वेरियस टाइम फ्रेम्स मेंशन किए हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 1 डे 1 वीक, 1 मंथ 1 ईयर। तो जो टाइम फ्रेम हमें टारगेट करना है या हमें जिस टाइम फ्रेम के लिए व्यू बिल्ड करना है, पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम कौन से टाइप का ट्रेड ले रहे हैं या कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इफ वी आर इंटरेस्टेड इन अ पोजिशन फॉर अ वीक, देन हमारा टाइम फ्रेम उतना सुटेबल होना चाहिए कि वो वीकली पोजिशंस या एक वीक में क्या क्या हो रहा है वो सारी चीजें हम लोग को बता सके। मैं अभी मोस्टली एग्जाम्पल देना चाहूंगा स्काल्पर्स का या इंट्राडे ट्रेडर्स का। इंट्राडे ट्रेडर का एक ही काम होता है कि आज के दिन में हम जब जैसे ही मार्केट में घुसते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारा कैपिटल, हमें इतना ही करना होता है कि 1 मिनट 1 मिनट का है? सेशन चालू हो गया, सिक्स सेशन रिवीजन लेता है, सांगतो मी। हाँ, सो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से गुड नाइट नाम कौन से टाइम फ्रेम पे फोकस करना है। और इंट्राडे ट्रेडर को मैं बोलना चाहूंगा, अगर वी आर इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, देन 1 डे इज इक्वल टू 375 कैंडल्स, बिकॉज आर मार्केट रन्स फॉर सर्टन आवर्स, 6 आवर्स एंड सम मिनट्स। तो हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वो वैसे सेट किया कि करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप यूट्यूब देखोगे या कोई भी बुक्स देखोगे, हम लोग ने बुक्स में मोस्टली 14, 21, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 100, 200, इतने सारे नंबर्स देखे हैं ईएमए सेट करने के टाइम पे, या कुछ कुछ लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में रहते हैं और 14 का ईएमए यूज करते हैं। तो वो डेटा जो है वो मिसमैच होता है, उससे जो व्यू बिल्ड होता है, कभी कभी वो व्यू परफेक्ट वर्क करता है, कभी कभी वो परफेक्ट वर्क नहीं करता है। तो बहुत सारे स्मार्ट बंदे हैं, उन्होंने क्या किया है, जो परफेक्टली वर्क करता है उसको उन्होंने पैटर्न बनाया है और उसको वो लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं थ्रू देयर यूट्यूब चैनल, विच इज वेरी गुड थिंग। अगर कोई सेटअप चल रहा है तो उसको यूज करके हम लोग मनी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को उसके पीछे का जो अंडरस्टैंडिंग है वो लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग ने टाइम फ्रेम को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले टाइम फ्रेम क्या होता है, उसके पीछे का इमोशन क्या होता है, हम लोग जान गए ये सेशन में। इसमें हम लोग ने जाना, अगर हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में है तो 375 अगर हम लोग पैरामीटर सेट कर रहे हैं ईएमए को या आरएसआई को, देन वी आर रेफरिंग टू द कंप्लीट सेट ऑफ डेटा, दैट इज कंप्लीटली 6 आवर्स एंड 15 मिनट, जो भी है 15 और वॉट एवर, उसको हम लोग रेफर कर रहे हैं। और तभी एक व्यू बिल्ड हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले 1 डे में क्या होने वाला है। इफ वी आर इन 5 मिनट्स तो हम लोग 75 सेट करते हैं, बिकॉज 5 × 75 इज अगेन 375 एंड विच इज अगेन अ सेम डेटा वी आर रेफरिंग फॉर अ डे। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म कुछ बिल्ड कर रहे हैं, जैसे हम लोग को देखना है कि 1 साल में क्या होने वाला है, तो 1 साल में आप देखोगे 52 वीक्स होते हैं, और 52 वीक्स का मतलब ये है कि 52 वीक्स का डेटा अगर हम लोग रेफर करेंगे तो प्रीवियस 1 ईयर में क्या हुआ है हम लोग इजिली जान सकते हैं कि आज की जो करंट प्राइस है वो प्रीवियस 1 ईयर से कितनी दूर है या कितनी नजदीक है, उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, अभी जैसे ही मार्केट चालू होगा या मंडे जब आप चार्ट खोलोगे या संडे भी अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो आप देखो हर 4 साल में एक बॉटम बन रहा है या करेक्शन आ रहा है। तो वो करेक्शन प्लॉट करने के लिए जस्ट ऐड 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स आप कैलकुलेट करोगे, 5 ईयर्स मतलब 12 × 5 दैट इज 60। आप 60 नंबर डाल दीजिए ईएमए में एंड वीकली चार्ट
मंथली चार्ट प्लॉट कीजिए या वीकली चार्ट प्लॉट कीजिए, जो करेक्शन आया है वो लैंड करेगा उसी लाइन पे जो लाइन बन रहा है। ओके तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग एक व्यू बिल्ड कर सकते हैं टाइम फ्रेम से, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं कि जैसे मैं किसी पोजिशन में फंसा हूँ एंड आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मोस्टली 95% इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म क्यों बनते हैं, क्योंकि उनका पोजिशन माइनस में चला जाता है, उनका होल्डिंग माइनस में चला जाता है। जैसे अभी डीमार्ट में बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं डीमार्ट और ऊपर आएगा, आएगा डेफिनेटली डीमार्ट ऊपर आएगा, लेकिन उसका एक लेवल है, उसके बाद स्ट्रेंथ दिखेगा, उसके बाद डीमार्ट ऊपर आना चालू हो जाएगा। लेकिन हम लोग को डीमार्ट को एक लेवल पे छोड़ना था, उसको हम लोग ने छोड़ा ही नहीं है। या IRCTC को जैसे हमने बोला था 1584 या डिसकनेक्ट हो गया, सॉरी। Now is it, now the presentation is visible? Not yet. Okay, sorry guys, internet connection ka kuch problem hai shayad mere taraf se, to डिसकनेक्ट हो रहा है। आई थिंक प्रेजेंटेशन अभी विजिबल होना चाहिए। ओके थैंक यू। हाँ तो हम लोग व्यू बिल्डिंग के लिए वी कैन यूज दिस टाइम फ्रेम्स एंड देन हमारा जो व्यू बिल्ड होगा, जैसे किसी को अगर 4 महीने से कोई पोजीशन होल्ड करके बैठा है तो आप जस्ट 88 करके आप डाल दो डेज में, डेज का टाइम फ्रेम पे 88 डाल दो, आपको 4-4 मंथ्स का व्यू आ जाएगा। फिर आप सोचो अगर 4 मंथ्स का व्यू बिल्ड होने के बाद वो EMA के नीचे है एंड RSI के भी नीचे है, तो आपको पोजीशन होल्ड करने में कुछ मतलब नहीं है। तो हम लोग ऐसा एक यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स देखे, तो जैसे हमारा टाइम फ्रेम हायर होते जाता है हमारे ट्रेडिंग टाइप भी चेंज होते जाता है। इन्वेस्टमेंट ट्रेडर से हम लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं। जैसे 1-5 में बोलूंगा स्काल्पर या इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है। लोग सजेस्ट नहीं करते कि 1 मिनट में ट्रेड करो, लेकिन मैं बोलूंगा ट्रेड कीजिए। इफ़ यू हैव राइट सेट ऑफ इंडिकेटर्स आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। और हमने बहुत सारे ट्रेड्स लेके उसके एग्जाम्पल भी हमने शेयर किए। उसके बाद आता है ROI या रिटर्न इन टाइम और रिटर्न ऑन एक्शन एंड रिटर्न ऑन रिस्क। इसमें से चारों में से ROI सबको पता है, हम लोग जितना इन्वेस्ट करते हैं उस पर कितना रिटर्न आता है उसको हम लोग ROI बोलते हैं। लेकिन ROR मुझे सबसे अच्छा लगता है। ROR इज रिटर्न ऑन रिस्क। रिटर्न ऑन रिस्क एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि समझो मार्केट में आप एक ट्रेड ओपन कर रहे हो और वो ट्रेड है, समझो आपके पास कैपिटल है 1 लाख का एंड यू आर रिस्किंग योर कैपिटल, आप 5,000 उस 1 लाख में से 5,000 आप रिस्क कर रहे हो। मतलब समझो एक शेयर है जिसका वैल्यू है 100 रुपीज एंड उसका 5 रुपया पकड़ने के लिए आप एंटर कर रहे हो एंड यू हैव 1,000 क्वांटिटी, तो 1,000 × 5 इज 5,000। तो वो शेयर 100 रुपीज से 105 रुपीज जाने वाला है ऐसा आपको लग रहा है, आपने व्यू बिल्ड किया है। सो यू आर परचेसिंग 1,000 शेयर्स and you are catching 5 points, but most of बहुत time ऐसे होता है कि 5 रुपया जाने से पहले ऐसे होता है कि मतलब वो कभी 1 रुपया ऊपर जाता है, 2 रुपया, 3 रुपीज, it gains 3 रुपीज and then that falls and वो 10 रुपया, 15 रुपया गिर जाता है and हम लोग इतना loss, एक बार हम लोग loss देखना शुरू करते तो हम लोग उसको सिर्फ hold करते जाते हैं। और इसमें क्या होता है, हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि 1-2 रुपीज के बाद अगर पोजीशन अपने अगेंस्ट जा रहा है तो हम लोग मेजर लॉस बुक करते हैं। तो इसमें मैं बोलूंगा रिटर्न ऑन रिस्क जो बोला जाता है, दैट इज ये 5,000 है, ये जो रिस्क हम लोग ने दिया है, मतलब समझो आपने 5,000 रुपया पकड़ने के लिए 5 रुपीज पकड़ने के लिए समझो आपने स्टॉप लॉस रखा 5 रुपीज, मतलब आप
आप प्लस फाइव में निकल जाओगे, लेकिन माइनस फाइव में भी आप निकल जाओगे। अगर आपने ऐसे अगर कैलकुलेट किया तो जो प्लस फाइव दिखाने से पहले प्लस वन प्लस टू दिखाता है या प्लस थ्री दिखाता है, हम लोग को उसमें निकल जाना है, हम लोग को प्लस फाइव तक रुकना ही नहीं है। अगर आप ये ट्राई करोगे, ये टेक्निक मैक्सिमम टाइम्स आप ट्राई करोगे, जैसे आपको शो करना है 5000, मार्केट को दिखाना है कि अगर मेरे अगेंस्ट आप गए, मार्केट गया, तो मैं मार्केट को 5000 दूंगा, लेकिन मार्केट से उसी टाइम पे हम लोग को 2000 या 3000 चुराना है। ये टेक्निक हम लोग ईएमए से यूज कर सकते हैं। ईएमए से हम लोग डेफिनेटली ऐसा एक सेटअप बना सकते हैं जिससे हम लोग मार्केट से छोटा छोटा करके अमाउंट चुरा सकते हैं। ये कैसे करेंगे, ये एसएल एंट्री री एंट्री एग्जिट पे मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल, मैं अभी चार्ट लोड करूंगा, हम लोग चार्ट पे जाते हैं। निफ्टी का चार्ट विजिबल है, निफ्टी या बैंक निफ्टी का? चार्ट विजिबल, ओके, थैंक यू। तो प्लेन ईएमए कैसा यूज कर सकते हैं मैं बताऊंगा। हम लोग रिलायंस पकड़ते हैं, रिलायंस सबका फेवरेट शेयर है, तो रिलायंस को पकड़ते हैं। ओके, हमने रिलायंस को लोड किया है अभी। अब यहाँ पे एक क्विकली एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। जैसे आपने आप मार्केट तो शुरू होके समझो 1:30 बज गया, अभी हम लोग 24 मार्च को देख रहे हैं। एंड व्हेन यू आर इन दी ट्रेड और यू यू सॉ द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 24th, आपने देखा कि कहीं यहाँ पे 963 पे है रिलायंस, और बहुत बड़ा है, इसको मैं हाइड करूंगा, बहुत बड़ा है। एंड आर ई एम ए 375 ई एम ए नीचे से चल रहा है। अभी यहाँ पे बाय करना जरूरी है या बाय कर सकते नहीं कर सकते, कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन ऐसा है कि हम लोग ट्रेडर है तो हम लोग को एंट्री तो करना ही, हम लोग सोच के चलते एंट्री तो कर ही लेंगे। तो इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी मैं पूरा स्क्रीन शेयर करूंगा मोस्टली। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो कैलकुलेटर विजिबल है स्क्रीन पे सबको? प्लीज रिप्लाई कीजिए। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो जैसे ये 963 है, अरे वाह, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद हम लोग रिकनेक्ट कर लेंगे। तो आप सबको रिकनेक्ट होना है। ओके, तो 963 एंड ई एम ए इज अराउंड 920 पकड़ूंगा मैं, तो डिफरेंस इज 963 माइनस 920, 43 रुपीज ऑलरेडी अवे है, लेकिन ऊपर है और हम लोग को बाय करना है। एंड ई एम ए के नीचे रिलायंस को आना, इफ राइडर इज ड्राइवर इज ऑन दी अबोव 51, तो ईएमए के नीचे आना थोड़ा डिफिकल्ट है रिलायंस को, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ लगता है क्रॉस करके नीचे आने के लिए, ये ऑब्जर्वेशन बोलता है। तो इसके नीचे 1% ऑफ रिलायंस, 1% ऑफ रिलायंस इज 9 रुपीज, सो एड 9 रुपीज इनटू दैट, सो 463 से ईएमए दूर है सम पॉइंट्स, दैट इज 43 पॉइंट समथिंग, 44 पॉइंट्स, 43 पॉइंट्स एंड 9 रुपीज, 1% ऑफ रिलायंस दैट इज 9 रुपीज। तो ऐड करके हमें एक 52 नंबर आया।
52 नंबर आने के बाद हमको पता चला कि अगर प्राइस यहाँ पे है, हमारा स्टॉप लॉस हम लोग 52 पॉइंट्स दूर रख सकते हैं। तो 52 पॉइंट्स दूर रखना मतलब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आ जाएगा, 963 माइनस 52, 911 पे मैं प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो आप सेफली कितना क्वांटिटी डिप्लॉय कर सकते हो, सो दैट काउंट वाज 52। Now I am audible. Yeah, I am recording this session. Okay. Am I audible? Okay. सो अभी हमारे पास ये सेशन में टाइम पता नहीं कितना, 3 मिनट्स या 4 मिनट्स रहेंगे, तो हम लोग कंप्लीट तो कर लेते हैं ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, 963 से माइनस 52 पॉइंट्स मतलब 911 पे अगर हमको पोजीशन लेना है, एंड देन अपने को कैपिटल अगर डिसाइड करना है तो कैपिटल कैसे डिसाइड होगा, सपोज यू वॉन्ट टू रिस्क 5000 रुपीज, 5000 डिवाइडेड बाई 52। नाइन्टी सिक्स क्वांटिटी लेने के लिए आपको जो कैपिटल है अकॉर्डिंग टू रिलायंस, मतलब 960 into 90, या MIS करोगे तो थोड़ा और कम लगेगा, 960 into 96, 92,000 आपको चाहिए। हाँ, 1 lakh, अराउंड 1 lakh चाहिए। तो 96 क्वांटिटी अगर आप लोगे, रिलायंस बाय करोगे यहाँ पे भी, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ही रेयर है, एंड देन पोजिशनली भी आप होल्ड कर सकते हो। तो यू कैन एट, अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही समझो यहाँ पे आपने जो बाय किया उसके बाद ये गिरना चालू हो गया, गिरना चालू होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत वीक है, बिकॉज RSI के ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर समझो यहाँ से थोड़ा भी ऊपर भी जाता, समझो यहाँ से 10 रुपया 20 रुपया, दूसरे दिन ऐसे हुआ आपने होल्ड किया, दूसरे दिन यहाँ पे इतना ऊपर चला गया, सपोज 1000, हाउ मच इट इज 1031 चला गया, तो 963 माइनस 1022, 59 रुपीज आपको आया, 59 into 96, जो भी आपका गेन है 5000 ही दिखा रहा है। मैं बोलूंगा ये 1000 या 2000 जब भी आपको दिखाएगा, तो आप मार्केट से वो 1000 रुपीज चुरा सकते हो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है राहुल जी, दिस इज फॉर एंट्री, आप जिसमें रिटर्न ऑन रिस्क कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने जो रिस्क लिया 5000 रुपीज का, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे जो गेन मिल रहा है, मैं 1000 में बुक कर सकता हूँ, 2000 में बुक कर सकता हूँ, 4000 में बुक कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही कम रिस्क रहेगा, क्योंकि ये लेवल तोड़ने के लिए, रिलायंस ये लेवल में आने के लिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेटेड रिस्क कैसे ले सकते हैं यूजिंग EMA। EMA का हम लोग यूज इसके लिए करेंगे, EMA से कितना दूर है उतना हम लोग रिस्क कैसे कम करेंगे। सपोज इन अदर केस रिलायंस इज एट दिस लेवल, 932 के लेवल पे है, तो EMA से कितना दूर है, 923 9 रुपीज दूर है, एंड रिलायंस का 1%, सो 9 and 9 18 रुपीज हो गया, एंड यू हैव 5000 रुपीज ऑफ कैपिटल, 5000 divided by 18, सो जस्ट गेस द क्वांटिटी, 277 क्वांटिटी ऑफ डिप्लॉय कर सकते हो।
एंड देन इफ यू आर गेनिंग अ गुड अमाउंट, मतलब 277 आपके पास पैसा होना चाहिए उतना इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आफ्टर 277 932 से रिलायंस उठ के समझो 1,300 पॉइंट्स गेन कर रहा है, सो देन योर रिटर्न्स इज 27,700 ऑन द रिस्क ऑफ सेम 5,000 रुपीज। तो मैं जो बता रहा था ईएमए का जो मतलब है, ईएमए हम लोग को गाइड करेगा हमें कौन सा गन यूज करना है, जो मैंने यहाँ पे सेशन में बताया है। ये सेशन में ईएमए का जो पार्ट है ये ईएमए हम लोग को हेल्प करेगा। अगर आप वेरी क्लोज टू ईएमए हो तो 20x मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डिप्लॉय करो सेम रिस्क पे, अगर आप दूर हो तो छोटे गन से खेलो। तो ये एग्जांपल मैं दिखा रहा था। अभी कोई मुझे बताएगा कितना टाइम बाकी है सेशन खत्म होने के लिए, सो दैट तो ऑप्शन बाय कर सकते हैं ना। भाविन जी पूछ रहे या ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि ऑप्शन बाय करने से पहले प्राइस एक्शन समझ लीजिए। हमने अभी बहुत ही छोटा सा पार्ट देखा है ईएमए कैसे यूज कर सकते हैं। व्हेन यू नो ईएमए विद जोन्स एंड आरएसआई ऑल दी सेटअप्स सारे डॉट्स आप कनेक्ट करोगे तो ऑप्शन आप बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करके रख सकते हैं। डिसकनेक्ट हो गया था फिर से, आज नेटवर्क का बहुत ही इशू है। ठीक है, आप लोगों को ये पार्ट पता चला क्या? हमने टाइम फ्रेम एंड देन ईएमए के बारे में जो डिस्कस किया, हेलो नो नो इट वन मिनट का मैंने एग्जांपल दिखाया भाविन जी, ये आपका पर्सपेक्टिव आप जैसे चेंज करोगे, जैसे जैसे आप पर्सपेक्टिव बड़ा करते जाओगे, इट वर्क्स फॉर 5 मिनट्स आल्सो, इट वर्क्स फॉर